नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कतर में कारोबारियों से पीएम मोदी की निवेश की अपील, कहा भारत अवसरों की धरती या व्यापार का सुनहरा मौका। 80 करोड़ युवाओं को बताया देश की ताकत। यूपी में राम भरोसे बीजेपी, राम मंदिर पर सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर भरोसा जताया उमा ने। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोस्टर में योगी को बताया यूपी का राम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से की शराबबंदी की मांग, कहा अगर मुद्दे पर गंभीर है तो बीजेपी शासित राज्यों में करे शराबबंदी। हरियाणा में जाट आंदोलन का असर इस बार गाँव में, कई गाँव में विरोध प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। अब यूपी एमपी उत्तराखंड में भी प्रदर्शन करेंगे जाट। और बिहार से जुड़ा व्यापम घोटाले का तार, मध्य प्रदेश के घोटाले में सीबीआई को 38 लोगों की तलाश, पटना मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों का नाम आया सामने। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए, ये मांग उनके कट्टर विरोधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। नीतीश ने रविवार को पटना में जेडीयू की सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। नीतीश ने साफ किया कि शराब की खरीद बिक्री को केवल राजस्व की क्षति से जोड़ना गलत है, इससे आम लोगों को होने वाली बचत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर अपनी नीति साफ करने का आग्रह करते हुए नीतीश ने कहा कि अगर वे इस मुद्दे पर गंभीर हैं, तो बीजेपी शासित और बीजेपी समर्थित राज्यों में जल्द शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भले ही ये कहा हो कि बीजेपी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं मानती है, लेकिन संसद में उनकी साथी उमा भारती ने गाये बगाये एक बार फिर अयोध्या में मंदिर का राग छेड़ दिया है। राम मंदिर आंदोलन की सक्रिय सदस्य रही केंद्रीय मंत्री ने रविवार को कहा कि वो इस विवाद का समाधान चाहती है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अपना हीरो भी बताया। उमा भारती ने कहा कि वो सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर विश्वास करती है कि अयोध्या में राम मंदिर का काम इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगा। भारती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को खारिज कर दिया, लेकिन विश्वास जताया कि अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य में अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगी। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम सियासी दल कई बार पोस्टर के सहारे दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते नजर आए। इस बार राज्य के गोरखपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सांसद योगी आदित्यनाथ को यूपी का राम और बाकी सभी पार्टियों को रावण बताया गया है। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से इस पोस्टर को लगाया गया है, जिसमें आदित्यनाथ को राम रूपी अवतार में दिखाया गया है और बाकी सभी पार्टियों जैसे सपा बीएसपी कांग्रेस को रावण के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ ही पोस्टर में लिखा कि यूपी के राम 2017 में रावण को पराजित करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने पोस्टर जारी कर योगी के 44वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मोर्चा ने केक काट कर उनका जन्मदिन भी मनाया और उनके लंबे उम्र की कामना की है। दोहा के पास फंसे 200 भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से लाचार और भूखे प्यासे दिन काट रहे मजदूरों ने उनसे वतन वापसी के लिए मदद मांगी है। इन दिनों पीएम मोदी अपने कतर दौरे में भारतीयों से मिल रहे हैं। पीएम ने उनके साथ खाना भी खाया। दोहा के पास भारतीयों का एक जत्था ऐसा भी है जो 5 महीनों से वेतन न मिलने के चलते भूखे प्यासे दिन काटने को मजबूर है। पीएम मोदी ने भारतीय कामगारों से मुलाकात तो की, लेकिन वहाँ फंसे भारतीय कामगारों का जत्था उनसे नहीं मिल सका। हरियाणा के 9 जिले एक बार फिर से जाट आरक्षण को लेकर प्रदर्शन तेज होने की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है। इस बार प्रदर्शनकारियों ने शहरों के बजाय गांवों की ओर अपना रुख किया हुआ है। सोनीपत में इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा सरकार सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है। करीब 200 की संख्या में प्रदर्शनकारी पानीपत रोहतक रोड के जसिया गाँव में जमे हुए हैं। 4 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि अभी तक राज्य में कहीं भी रोड ब्लॉक करने की खबर नहीं आ रही है। रेलवे ट्रैक भी सुरक्षित और सुगम है। हरियाणा में प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन से पहले राज्य में 4,800 अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। राज्य सरकार ने केंद्र से और 15 कंपनियां मांगी है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में प्रमोद महाजन स्किल डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जीडीपी की व्याख्या बदल दी, निर्जीव जीडीपी को सजीव बनाया और उसे मानवीय दृष्टिकोण दिया। शाह ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गई है। अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 9.23% हो गया है। भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान अमित शाह ने प्यास पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी से गाड़ी टकराती है तो प्रेस छाप देती है, लेकिन 900 युवाओं यहां रोजगार सम्मेलन में आए हैं, ये बात नहीं छपती। प्रेस को अच्छे काम का समर्थन करना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पुलिस ने गया जाने से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सली हमले की आशंका के मद्देनजर मांझी को गया के डुमरिया जाने से रोका गया है। हाल में नक्सलियों ने जीतन राम मांझी और लोजपा सांसद चिराग पासवान के खिलाफ एक पोस्टर भी चिपकाया था। मांझी रविवार को मारे गए नेता सुदेश पासवान के दुष्कर्म में भाग लेने के लिए गया के डुमरिया जाना चाह रहे थे। गया पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मांझी को वहां नहीं जाने का आग्रह किया है। मांझी को सरकार की ओर से जेड स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मांझी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया है। हाल ही में मांझी पर डुमरिया जाने के क्रम में हमला किया गया था। मांझी के साथ चल रही एक स्कॉट की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया था। मथुरा के जवाहर बाग का जायजा लेने के लिए रविवार को जब बीजेपी के 3 सांसद और 2 विधायक यहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसी से बीजेपी सांसद खपा हो गए और एसपी पर भड़क गए। जवाहर बाग का जायजा लेने के लिए मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कासमगंज के एमपी राजू भैया और हाथरस के सांसद राजेश दिवाकर समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मथुरा पहुंचे। पुलिस ने जब सांसदों को अंदर आने से रोका तो बात बढ़ गई। बीजेपी नेताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी तो जवाब में एसपी भी भड़क गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा, आपको शहीद पुलिस वालों से कोई संवेदना नहीं है। बीजेपी सांसदों ने कहा कि उन्हें जवाहर बाग के अंदर जाने से रोककर पुलिस सबूतों को छिपाने और मिटाने की कोशिश कर रही है। बिहार बोर्ड में 12वीं के टॉपर्स की हकीकत सामने आने के बाद से पूरा सिस्टम हरकत में आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार इस पर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश ने कहा कि अच्छा हुआ टॉपर्स की सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कहा कि आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। नीतीश ने कहा कि वो अपने स्तर पर इस मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने इस स्तर पर देखूंगा, पहले भी ऐसी घटना सामने आई थी और मेरी पहल पर कार्रवाई हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना पर क्रिमिनल केस बनेगा। नीतीश ने कहा, इसकी पूरी जांच होगी, क्रिमिनल केस भी बनेगा और कठोर कार्रवाई होगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी। बोर्ड टॉपरों के इंटरव्यू के बाद साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का परीक्षा फल रद्द कर दिया गया है। इंटरपोल ने शराब व्यापारी विजय माल्या की गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि ईडी को 900 करोड़ रुपए की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उनकी तलाश है। अधिकारियों ने कहा कि इंटरपोल ने निदेशालय से इस मामले में की गई कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्णय करेगी। निदेशालय के सूत्रों ने कहा, इंटरपोल ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं जो कि माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतिरिक्त ब्यौरा उपलब्ध कराने को लेकर है। इंटरपोल ने ये नहीं कहा कि वो माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के ईडी के आग्रह को मना कर रहा है। हरियाणा के बाद अब जाट दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन करेंगे। जाटों की सबसे मजबूत माने जाने वाली संस्थान ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा, हम 8 जून को यूपी में, 10 को मध्य प्रदेश और 11 को उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। अगर हरियाणा सरकार हमसे बात करेगी तो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को हरियाणा सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वो हमसे बातचीत करे। जाट समुदाय किसी से नहीं डरता। वोट बैंक के लिए राजनीति करने वालों को हम पर्दाफाश करेंगे। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में कल 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी के दिन मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान किसी भी तरह की जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगाई गई है। अमृतसर में 2-3 दिन से दल खालसा और कई सिख संगठन जुलूस निकाल रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि किसी को भी स्वर्ण मंदिर में जुलूस के साथ घुसने नहीं दिया जाएगा। एसजीपीसी ने स्वर्ण मंदिर परिसर में मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी। एसजीपीसी के मुख्य सचिव हरचरण सिंह ने संबंध में आदेश पारित किया। एसजीपीजी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कवरेज पर रोक के साथ साथ फोटो पत्रकारों को भी परिसर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे सिख श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।
चीन ने अमेरिका की उकसावेबाजी पर हमला बोलते हुए कहा कि दक्षिण चीन में पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों से अगर कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। सिंगापुर में एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन में चीन के एडमिरल सन जियांगुओ ने कहा इन संबंध में भारी देशों को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, ना कि अन्य तरीका अपनाना चाहिए। अपने निजी स्वार्थों के चलते कुछ देशों के उकसावे के कारण दक्षिण चीन सागर का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कॉर्टर के दक्षिण चीन सागर द्वीप पर चीनी निर्माण को लेकर चेतावनी देने के एक दिन बाद सन का यह बयान सामने आया है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस का दावा रहा है और वह अमेरिका और अन्य देशों से इस संबंध में तुरंत कार्रवाई चाहता है। बीसीसीआई के भारतीय सीनियर मेंस टीम के कोच पद के लिए विज्ञापन देने के लिए कुछ दिन बाद ही चयन समिति के चीफ संदीप पाटिल ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पूर्व बल्लेबाज और कीनिया का पूर्व कोच को बोर्ड के टॉप पदाधिकारियों ने आवेदन करने की सलाह दी थी, क्योंकि उनकी अगुवाई वाले सीनियर चयन पैनल ने सितंबर तक के अपने अधिकतर काम पूरे कर लिए हैं। इनका कार्यकाल सितंबर में खत्म होना है। सीनियर टीम के पास जिम्बाब्वे डंकन फ्लेचर के 2014 में इंग्लैंड दौरे के बाद पद छोड़ने के बाद चीफ कोच नहीं है। माना जा रहा है कि रवि शास्त्री चीफ और संदीप पाटिल के बीच चीफ कोच पद के लिए मुकाबला हो सकता है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए फिलहाल संजय बांगड़ को अंतरिम कोच बनाया गया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से को दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कथित बातचीत के लिए देशद्रोही करार दिया, लेकिन पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का समर्थन किया जो राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। आप बीजेपी शासित गुजरात में पैर जमाने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल ने कहा हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है जबकि उन्होंने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। जबकि दूसरी ओर कथित कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि भारत के सबसे वांछित अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम ने खड़से को कॉल किया। खड़से जमीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर निशाने पर थे। उन्होंने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज सुबह करीब 3 बजे हुई भीषण दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा रायगढ़ के पास हुआ जिसमें 15 से अधिक लोगों को घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर दो कारों को तेज गति से आ रही बस टक्कर मारते हुए 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक जाइलो गाड़ी अचानक बंद पड़ गई और उसी दौरान पास से गुजर रही एक इनोवा के लोग उनकी मदद के लिए उतरे। तभी सतारा की तरफ से आ रही एक लग्जरी बस ने दोनों गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल पर ही 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 15 से अधिक लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए पनवेल लाया गया। सभी गाड़ियां मुंबई की तरफ जा रही थी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।